Semoga bang nomor 12 suka jadi bercai-cai dan mama bicara dengan dia. Adik setia. Zaman berapa tos bi ada di kan? Tua bi dari buku atau tua bi dari kanan? Kau jip ganda saja, jip satu. तो मामा भी चाय डाल दी थी कि आप चाचन में डाल दिया अब मुझको पकड़ा ये देख सकते मेरा कमाल जीत जाएगा तो कौन आ रहा है चलिए डैडी को देख आई जाइए सो गाइस मैं अपने डैडी को ढूंढ जा रहा सो गाइस आप देख सकते हैं आप डैडी उड़ जकाले का वाते दे इधर बाप बेटी का प्यार हो रहा है अभी सो रहे हैं लोड आ गया देखना बाबू के पास ये किसना हम चावल ही नहीं बनाए आज तो बोली चावल बनाए हैं घर में नहीं कल का चावल था वही दिए इन लोगों के स्टीम चावल बनाए हैं घर में आ जाते तो खा नहीं अफगान कसम इसीलिए हम पूछे हैं कि आओगे तो बना देंगे खाना चाहे तो अंधेरा हो ही गया है शाम हो गया अभी खाना डिनर करना है खीर डिनर ट्राई कर डिनर में क्या आज सोच रहे फिश बनाएंगे हम लोग फिश करी नहीं तो अभी थोड़ी ना मिलेगा शाम को फिश यहाँ मिल रहा था लेकिन वो फिश नहीं मिला था वो बेरासी मिला था प्यासी 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 के बेरासी क्या बोलते हैं बिना चोइये वाला मछली तुम खाओगे फिश हाँ खाएगा फिश का छोटा वाला छोटा वाला मिल रहा है ना दें छोटा वाला खाओगे ले आओ ना अच्छा लगता है तू भैया फ्राई कर बन जाए चलो साथ में रोटी लेकर लेके जाओ उसको भी रोटी डैडी को दो तुम जाओ ना ले लो दूसरा छोटा में कौन सा बोलो हमको नाम नहीं पता छोटा में क्या बोलते हैं छोटे वाले फिश को क्या बोलते यार सोना छोटे वाले फिश को क्या बोलते हैं गाइस आप लोग बताइए कमेंट करके क्या बोलते हैं बैस बोलते हैं अरे देख लेना पूछ लेना मछली वाले से मुंह चलेगा देखना कम तो गाइस यहाँ रू अभी आए हैं और शाम हो गया है और अभी इनको लगा है बहुत तेज का भूख पर आज मैंने राइस नहीं बनाया है टोस्ट और चाय से काम चला अभी ऐसे भी थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो ही जाएगा फिर इधर ये इस साइड ही पलटती है हमेशा इस साइड पलट के सोती है खेलते खेलते सुना हाय सुना जगी बहुत गर्म क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या हुआ जी और खाने में मछली के अलावा सोच रही है और ऑप्शन है कि चिकन चाउमिन बन जाता तो चिकन अभी तो मछली बोले हो चाउमिन रखा हुआ एक पैकेट एकदम बड़ा सा बड़ा वाला पैकेट और चाउमिन मिला के और चिकन मिला के बहुत मज़ा आएगा खाने में बच्चा लोग भी खाएगा कभी बोलते हो फिश करी कभी बोलते हो चिकन करी करी नहीं बनेगा चिकन चाउमीन बनेगा चिकन चाउमीन बच्चा लोग क्या खाएगा बच्चा लोग क्या खाएगा तो गाइस आज का डिनर बहुत ही लफड़ा हो गया आज के डिनर में क्योंकि पहले से प्लानिंग था फिश करी बनाने का लोग बोल रहे थे सुबह से ही कि आज फिश करी बनेगा अभी बोल रहे कि चिकन करी कौन आया अभी बोल रहे कि चिकन करी सॉरी चिकन चाउमीन है क्योंकि लास्ट टाइम चिकन चाउमीन बना था तो एक पैकेट चाउमीन है बचा सो गाइस देखते हैं किसको ज़्यादा वोट मिलता है क्या था चाउमीन चिकन को या फिश करी को चलो मेरा वोट जाता है फिश करी को डैडी का चिकन चाउमीन देखते हैं कौन ज़्यादा जीतता है ठीक है छुटकी का मेरा चिकन चाउमीन ऑफिसली क्या कमाल कर रही थी बोलती है ऑब्वियसली तो गाइस आपने सुना छुट्टी का इंग्लिश चिकन चाउमीन ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली
क्या खाओगे एक बताओ डैडी को वोट मतलब चाउमीन चिकन चाउमीन। आप पूछते हैं शोना से, शोना तुम क्या खाओगी? मैं खाऊंगी चिकन। ये तो दूध ही पिएगी अभी तो डब्बा वाला पिएगी कि मदर दूध पिएगी? तो गाइस फिश खाने वाले मेरे घर में बहुत कम है। फिश मतलब किसी को पसंद नहीं है उतना, बहुत ही कम खाते हैं। रोज भी बहुत कम खाते हैं। बाबू पहले बहुत खाता था बचपन में। तुम बचपन में बहुत खाते थे? खाता नहीं, लेकिन एक बार मुझे एकदम कलवर से टीचर था ना, तो मैं तब से मैं फिश छोड़ दिया। तो करवा से टेस्ट आया तब से छोड़ दिया फिश। और बस मुझे पसंद है, मतलब मेरा तो हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट है फिश करी, फिश। तो बाकी सबका है चिकन चाउमीन में। और जो तनाया है उधर अभी सो रही है, उससे भी पूछा जाएगा तो वो भी वही बोलेगी, चिकन ही बोलेगी। हाँ। तो नींद में है वो, छोड़ दो ना, उठेगी तो वो चिकन ही खाएगी, चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन इज विनर, तो चिकन चाउमीन ही आज बनेगा डिनर में। रूडी और सोना कितना अच्छा आपस में खेल रहे हैं। रूडी खूब बात कर रहा है अपनी छोटी बहन से, और छोटी बहन भी अपने भैया को बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स कर रही है। गाइस ये देखिए, कुछ स्माइल दे रही है, बात कर रही है अपने लैंग्वेज में, उसको रिप्लाई भी कर रही है करके। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खेल रहे हैं दोनों भाई बहन आपस में। देखिए 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 गाइस, देखिए ये देखिए अच्छे से खेल रहे हैं। आया कर रही है छोटी बहन। अरे नाक मत घुसा मुँह में, हाँ दूर से खेलो। ये देखिए गाइस आवाज आ रहा है वो, गाइस कितना अच्छा से खेल रही है, खिला रहे हैं भाई। ओ आगे हो सब रही है तू। हां यहां पे तू यहां पे बात कर, बात कर ना। वही अगर रूडी अभी नहीं बात कर रहा था तो हम रोए जा रही है। जब बात स्टार्ट करना शुरू कर दिया रूडी ने तो फिर चुप हो गई। बेटा बहुत बात करती है ना बेटा, तो भैया से भैया है, भैया है, भैया है। हाँ अरे तो कैमरे में देख रही है खुद से। कैमरे में देख रही हो, से हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। बोलो हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो गाइस। बोलो हेलो गाइस, बोलो बेटा हेलो गाइस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल्स पे। बोल दो बेटा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऐसे देख रही है गाइस हम लोगों को कैमरे में, बातें भी कर रही है। मैं बोल रहा हूँ तो हाय हूँ बोल रही है, क्या क्या लग रहा हो गया। रूडी को साथ में बैठी है बहन और दोनों कर रहे हैं मस्ती। क्या लाई मैंने? रोटी बनाई हो? ओहो पराठा ना बना रहे थे? ओहो घी लगा दिए, घी लगा। तो गाइस बाबू इतना ज़्यादा रो रही थी अभी, और देखिए अभी जब तू मोबाइल दिखा रहे तो कितना चुप हो गई मोबाइल। जब आज रही डांस देख रही है, डांस देखना गलती से छोटे नंबर। बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा है ना, तो उसमें डांस कर रही है, सुन रही है, देख रही है डांस करके। हटाओ तो थोड़ा सा, हटाओ ना, क्या करें। तो गाइस मोबाइल यहाँ पे रू हटा दी, हम देखते हैं क्या करती है। देख रही है ना, मैं ये हटाऊँ ना, देख लीजिए। क्या कैमरे में देख रहे हैं?
कैमरे में ऐसे करके देखती है घूम के, उसको पता है बहुत बदमाश। तो गाइस शोना को जो भी देखने आते हैं, जो भी देखते हैं रिश्तेदार हो गए चाहे अनून बाहर के जो भी हो गए, तो बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल किसकी जैसी है, किसकी जैसी है। तो सबको ही बोलते हैं कि ये ना मेरे जैसी है ना अपने डैडी की जैसी है, ये है अपने भैया के जैसी, ये रूडी की जैसी है। नहीं, सबको ही बोलते हैं कि तो एकदम रूडी की जैसी दिखती है, रूडी की जैसी दिखती है, एकदम रोटी की तरह दिखता है ना, सब लोग यही बात करता है। जितने भी आज तक घर में गेस्ट लोग आए, ये है मेरा बेटा और ये है मेरी बेटी, सब तो सब यही बोलते हैं कि ये बिल्कुल अपने भैया की जैसी दिखती है, भैया की जैसी दिखती है, बाप रे भैया की जैसी दिखती है, भैया की जैसी दिखती है। हाँ जी, एकदम भैया की तरह दिखती हो। हाँ नहीं, ये सुतक्कर अभी सोके उठी है, अभी सोके उठी। तो गाइस रात को 1 बजे तक जगी थी, 1 बजे तक इसका पढ़ाई चल रहा था, एग्ज़ाम था आज, इसीलिए 1:30 बजे तक जगी थी, जिसकी वजह से अभी दिन भर शाम तक अभी तक सो रही है। ये चले लुटे, हाँ चलो, भूख लग रहा है तो अभी नहीं खाना, गदबेर थोड़ी देर में, अभी दिया बत्ती हुआ है तो अभी गदबेर में नहीं खाते हैं, है ना, इसीलिए थोड़ी देर में खाए। हाँ तो बाकी सबसे हमने पूछ लिया था कि डिनर में फ़िश करी खाना है या चिकन चाउमीन खाना है, बस बच गई थी एक तनाया, क्योंकि तनाया सो रही थी, तो अभी जगी है तनाया, तो तनाया से भी पूछ लेते हैं। चलो बोलो, फिश करी या चिकन चिली? चिकन चिली है, मैंने बोला था ना कि वो भी चिकन चाउमीन ही बोलेगी, सो फिश करी होता है कैंसिल, आज बनाते हैं चाउमीन और चिकन चाउमीन। चलो वैसे मैंने पहले कभी मम्मी कैसे बनाते हैं रू, इकट्ठा मिक्स करके? मैं चिकन अलग बनेगा, सेपरेट चिल्ली बनेगा, चिल्ली का चिल्ली। अब चिल्ली में बहुत टाइम लगता, तो जाओ चिकन लेकर आओ। जा रहे हैं, कब जाओगे? 6 बजने वाला है। तुम अपना पाकिस्तान पढ़ो अपना, फ्राई तराई का काट कूट करो अपना, बॉईल करो चाउमीन को। बॉईल तो हम कर लेंगे, यूट्यूब में रेसिपी देखो कैसे बनता है, तब ना बनाओगे। हाँ हाँ, तो गाइस पहले मुझे यूट्यूब सर्च करना पड़ेगा रेसिपी, उसके बाद ये सारे ये जो है ना सब सबका वोट गया है चिकन। फिश खाया हुआ कितना टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम फिश लाना, ठीक है? हाँ नहीं, पर तुम लोग खाओगे नहीं तो। फिश सुबह खाने में अच्छा लगता है? हाँ तो हाँ सही बोले, रात में फिश करी है ना सुबह चावल के साथ, अच्छा होता है, संडे को बन जाएगा, देखो ना। घर जाती हूँ तो घर पे मैं फ़िश करी खाती हूँ बहुत, क्योंकि बाबा को भी फ़िश बहुत पसंद है, हमेशा वो फ़िश लेके आते हैं, छोटा वाला बड़ा वाला सब। दोनों बाप बेटी एक ही है। हाँ दोनों बाप बेटी एक ही है। हाँ फेस भी सेम है और उन लोग का वो इरादा भी सेम है और खाने का भी सेम ही है। हम लोग का इरादा भी सेम है। और गाइस ये है बर्थ मार्क जो मेरा है यहाँ पे मासा, ये मेरे बाबा इतना जगह बर्थ मार्क है ना, ये वाला मेरे पापा का है यहीं पे और मेरा भी यहीं पे सेम सो गाइस उस दिन फूफू तेल चल रही थी ना, तो फूफू का आँख के ऊपर ये लग गया था, देख सकते हैं। उस दिन फ्राइड राइस बना रही थी तो यहाँ पे छीटा पड़ गया था, ये देखिए काला काला दिख रहा है ये, यहाँ पे इतना तेज लहरा था, ये बहुत तेज इसमें लहरा था। तो गाइस चाउमीन हो गया हमारा इधर बॉयल, इधर मैंने प्याज भी काट लिया है और उन्होंने इधर स्टार्ट भी कर दिया है चाउमीन, ना चाउमीन बनाने, हाँ चाउमीन, बिहारी वाला भाषा बोलते हैं चाउमीन।
हो गया तो बिहार में है तो बिहारी भाषा तो मस्त। ऐसे आप कहीं किसी भी स्टेट में आप रहो जहाँ पे आपका बॉर्न एंड बॉट हुआ हो तो टोन आ ही जाता है, वो तो आना ही है, तो टोन तो आ ही जाता है ना, वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। अनियन ना रखिएगा के अनियन इधर है, ग्रीन चिली, ग्रीन चिली एक ही था उसमें तो और मांग लेना हो। तो गाइस हमारा चिली नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो परोस के यहाँ से मांगने जा रही हूँ। साइड हो किया तो ये है हमारे घर का गैलरी और इधर है चंदा दीदी का किचन। हाँ तो इधर दीदी का भी डिनर बन रहा है, खाना बन रहा है। ये फ्रिज मार्शल लाइन कटी होती है ना, तो काम घर से नहीं बॉल फ्रीज है, अच्छा 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 दिन झरा भस अच्छा धरी जान के। तो ये चिली दीदी हाथ में नहीं दी है, कहते हैं कि हाथ में लेने से झगड़ा हो जाता है। एक बार ट्राई करनी होगी, एक बार ट्राई हाथ में लिए रहुंचे की होना होनी उससे तो रहुंचे चल। तो गाइस हमारे यहाँ कहते हैं कि मिर्चा हाथ में नहीं देना चाहिए, झगड़ा होता है, झगड़ा हो जाता है, इसलिए दीदी ने रैक पे रख दिया तो मैंने उठा लिया, बाकी इसको वॉश कर देती हूँ पता कर लेना, झगड़ा हो जाएगा हमारा इधर रख दिया बो कर तुम। तो वैसे इधर हो गया हमारा चिकन फ्राई और पता नहीं कैसा बनेगा चिकन चाउमीन, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग बना रहे हैं। रेसिपी देखने के बाद भी समझ में नहीं आया रेसिपी रेसिपी देखने के बाद भी चाउमीन का समझ में नहीं आया कि कैसे बनाना है, फिर आप दिखाते हैं। और बाथरूम यूज़ करके खुला छोड़ देते हो, आते जाते मुझे बार बार बाथरूम बंद करना पड़ता है। हाँ ओहो इधर आए, अरे बाप रे बहुत भारी धोए नहीं हो अच्छे से क्या, ज़्यादा ओवर कुक हो गया क्या चाउमीन, पता नहीं दादा हो गया ज़्यादा ओवर कुक इतने बार कुछ नहीं होती हूँ तो हो जाए। अरे सुपुर जाएगा वो भी। हाँ पानी तो बोल ना वहीं से आवाज दे ना, तो गाइस अरु उधर बना रहे हैं चाउमीन, बाकी बच्चों को इधर दे दिया है खाने के लिए और ये तीनों बच्चे खा रहे हैं और इधर मैं मसाज कर रही हूँ शोना का। तो मैं शोना को मसाज कर दे रही हूँ, अभी मेरे पास टाइम है जो इधर किचन में लगे हुए तो मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले शोना को मसाज कर दूँ, तो फटाफट मैं इसको पहले मसाज कर देती हूँ, उसके बाद मैं भी फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद मैं भी खाऊँगी, मुझे भी बहुत भूख लग रहा है चाउमीन देख के, इन लोगों को देख के। कैसा बना है? यम्मी यम्मी है, मेरे मुंह से तो एक शब्द नहीं। तो गाइस मैंने बाबू को तेल लगा दिया है इधर, थोड़ा सा इसको कवर किया है क्योंकि एसी चल रहा है, और बाकी इधर देखिए हम लोग सब बैठ के इधर देख रहे हैं ब्लॉग, सौरभ जोशी, सौरभ जोशी का ब्लॉग जो जिसमें भारती आई हुई हैं, भारती सिंह आई हैं, हम लोग हमेशा ही देखते हैं। चलो फिर अभी हम लोग भी खाना खा लेते हैं, रू चलो खाना खाने यार, चलो तनु तनु चलो थोड़ा सा बाबू को पकड़ो, थोड़ा सा मेरे छेवन्ना को पकड़ो, खाना यही ले आते हैं खाना। हाँ
तो थोड़ा देर बाबू को पकड़ेगी तनाया और मैं और लोग खाना खा लेंगे फटाफट खा लेंगे, क्योंकि बच्चे को लेके गोद में नहीं खाना खा सकते, नहीं खाते हैं ये, मुझे शनाया ने बताया था। और गाइस बारिश की वजह से सारा कपड़ा अंदर ही टंगा हुआ है। तो गाइस इधर हमारा भी आ गया है डिनर, ये है चाउमीन, स्पेशल चाउमीन जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाया है। बहुत ही अच्छा दिखने में, बहुत ही जी। तो फिर चलिए गाइस पहले खाना खा लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ, भूख बहुत तेज का लगा है। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और खाना पीना सब कुछ हम लोग का हो गया है यहाँ पे, और उपासना भी यहाँ पे बाबू को लेकर सो गई है बाबू, और गोदी में ली है उपासना। और बाबू क्या, बाबू को क्या कर रही है कि एकदम सुलाने का प्लानिंग कर रही है ताकि ये अच्छे से सो जाए, ताकि देखो मच्छर, देखो मच्छर, तो यहाँ पे मच्छर घूम रहा है, इसको नेट में सुलाना जरूरी है। हाँ बच्चे को नेट में सुलाना जरूरी है, अब थोड़ा ना छोटा हो रहा है तो ऐसा ही है गाइस। अभी जो है यहाँ पे मच्छर बहुत दूर रहा है रूम में, क्योंकि अभी थोड़ा सा बारिश वारिश हुआ है 4-5 दिन लगातार, और मच्छर भी आते हैं रूम में, तो मॉस्किटो कॉइल भी हम लोग चलाते हैं या गुड नाइट को गुड नाइट भी चलाते हैं, बट बच्चे के लिए स्पेशली हम लोगों ने एक मच्छरदानी रखा हुआ है यहाँ पे छोटा सा, ये हम लोग ढक देते हैं बच्चे को ताकि वो अच्छे से हो जाए। कि जो हम लोग अभी क्या करेंगे, सॉरी तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है बाबू सो गई है, तो अभी क्या करना है क्या नहीं करना है उसको हम लोग खाना पीना खा लें, थोड़ा वेस्ट करेंगे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं गाइस, सो आँखें भी बंद हो रही है उपासना की, काफ़ी ज़्यादा मैं भी थक गया हूँ गाइस बहुत, मैं 2 दिन पर ड्यूटी करके शाम को फिर आके चाउमीन चिकन चाउमीन बनाया इन लोग के लिए, खिलाया अपने हाथों से, बाकी बर्तन वर्तन जो भी है वॉश करना सब उपासना का काम था, सारा वॉश इसने किया, सारा किचन मैंने फैला कर खटा गंदा करके ना, खाना तुम बना देती हो पर किचन जब भी किचन ना इतना गंदा कर देती हो ना, तो किचन पूरा गंदा करके रखा था मैंने, सारा उपासना नहीं अकेला साफ किया, झाड़ू भी लगाया किचन में सारा कुछ करके, साफ करने जानती हूं ना तो मुझे एहसास होता है कि बेकार किया था, नहीं बोल बेकार खाना बनाया, तुमने इतना चौल तो बनाया, खाना बनाते वक्त हम किचन की क्लीन क्लीन करते रहते हैं, तुमको खाना अच्छा नहीं लगा क्या, नहीं खाना बहुत ही वेस्ट था, तो फिर चिकन चाउमीन बनाया था तुमने, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाया था। तो गाइस इस वीडियोस को यहीं पे करते हैं स्टॉप, मिलते हैं आपको कल एक नए वीडियोस के साथ, अभी हमारे आंखें बहुत ढल रही हैं, नींद आ रही है, थक गया हूं मैं गाइस बहुत, इस वीडियो को एडिट करना है अपलोड करना है तो इसके लिए थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, तो मिलता हूं आपको कल नए वीडियोज़ के लिए नए वीडियोज़ को, सो अभी टाटा बाय बाय टेक केयर गुड नाइट सी यू टुमारो गाइस, सो बाय।